Like to invite Mr. Bhagwanji Bhai Raiyani for the vote of thanks. But before that, I would like to introduce him. He is a civil engineer and was active in real estate construction industry. However, later on, he was involved himself full time on social front and has been founder of several NGOs, including Kala Gujari, for Forum for Fairness in Education and Forum for Fast Justice. As a managing trustee of Forum for Fast Justice, he has filed and pursued several public interest litigations and personally appeared and pleaded in the court. He was actively supported and has been a voracious supporter of presidential democracy in the best of national interests. Mere pyare bhaiyon aur behno, aur manch par upasthit विद्वान वक्ताओं, बहुत बातें हुई प्रमुखी लोकशाही के लिए प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, तो उसके बारे में मुझे कुछ बोलना बाकी रहता नहीं है। ये दो तीन चीज मैं आपको बताता हूँ। संस्थाएं बनानी हैं, उसको चलानी है, और लोगों के लिए उसका संस्करण करके सबको साथ में लेना है। ये सब कैसा करें? बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान जी भाई, आपने ये किया वो किया, काफ़ी सफलता पाई, मगर मैं कहता हूँ कि जितना थोड़ा सफलता मैंने पाई है, उससे ज़्यादा असफल मैं कई क्षेत्रों में रहा हूँ। क्या वजह है? सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस आई मेट, उसको चलाया कैसे? मेरी जेब में तो उतने पैसे नहीं थे, उसके लाखों करोड़ों रुपये चाहिए, कहाँ से लाएं? और कई लोग कहते कि वाई डोंट यू फाइट ए इलेक्शन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आई सी फर्स्ट थिंग इज दिस, इफ आई अटेम्प्ट टू फाइट I will heavily lose, क्योंकि ऐसे ही से बता गए। दीवान साहब ने भी बताया कि इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपये चाहिए। हियर इन दिस कंट्री, पुअर कंट्री, नॉट देयर इन USA, मगर इसके लिए बेटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज हैविंग वन कॉन्स्टिट्यूसी, लेट मी वर्क थ्रू आउट दी country, and that is my biggest constituency. ठीक है, ये सब छोड़ते हैं, मगर कैसा करना? सफलता ये नहीं है। लोग बोलते हैं आप काफ़ी सफल हुए, मैं बोलता नहीं भाई सफल हुआ नहीं सफल हुआ मैं नहीं जानता। मैं एक चीज़ जानता हूँ, आई एम ए सक्सेसफुल बैगर। वॉट? भिखारी? हाँ, कौन भिखारी नहीं थे? कबीर जी ने बताया है, मेरे लिए कुछ मांगूं तो मेरे लिए शर्म की बात है, मगर परोपकार के लिए मांगूं तो मेरे लिए गर्व है। तो इसके लिए संस्थाएं चलाने के लिए, ये संस्था भी सक्सेसफुली जो चलानी है, ये दीपक भाई जैसे और इधर मुंबई में और देश में कई धनी लोग हैं, उनके पास जाएंगे, उनको अपना कंसेप्ट समझाएं। इसके लिए भी हमारे पास फोरम फॉर फास्ट जस्टिस वेन आई लॉन्च सम 11 इयर्स बिफोर, एट दैट टाइम आई गॉट कलेक्टेड सम फ्यू पीपल लाइक यू
कि ये कैसा चलेगा, ये आप बात करते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरे दोस्त पूछते हैं कि अपने न्याय पद्धति को, न्याय तंत्र को सुधारने की बात करते हैं, असंभव असंभव। क्यों? कि एक केस दायर करो, जिंदगियां निकल जाती है, उसका फैसला नहीं आता, पूरा देश सफर कर रहा है, करोड़ों लोग इसमें मर रहे हैं। बोला ठीक है, अपने को अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए। तो सबने थोड़े थोड़े पैसे दिए, 20 लाख हुए हमारे पास अपने ही भ्रष्टाचारियों से, वो तो पर्याप्त नहीं थे, 20 लाख से क्या होगा। तो क्या करें, हम घर घर पर जाएंगे, दर दर पर जाएंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे। जिनके पास गया वो बोले कि नहीं, ये तो असंभव है। दानेश्वरी के पास गया, नहीं, मगर एक चीज थी, इनकी निष्ठा अच्छी है, ये लोग फेल जाए तो भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेट देम मेक अटेम्प्ट, और ऐसे ही चले। तो ये मुहिम के लिए एक आंदोलन चलाना है, जैसा YP त्रिवेदी बोल के गए कि एक कमेटी बनाओ, और कमेटी बनाने से आंदोलन नहीं होता, आंदोलन के लिए घर घर जाना है, देश देश जाना है, गांव गांव जाना है, शहर शहर जाना है, लोगों से मिलना है, कभी मार खाना है, तभी होता है। तो ये कैसा बने, बहुत एकेडमिक्स थे इधर, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने बताया कि नहीं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी इन दिस कंट्री, मगर उधर हम अटक गए। दामेजादी से मैंने बात किया, और हमारे जसवंत भाई तो ये मुहिम लेके बैठे हैं, मगर मुझे लगता है कि मात्र लेखन कर से, एकेडमिक्स बनने, राइटर बनने से ये काम नहीं होगा। कैसे होगा? दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी, रजिस्टर्ड एज ए पॉलिटिकल पार्टी, पंजीकरण हुआ है इसका, और 100% टैक्स एग्जम्पशन है इसमें, कुछ भी ये पॉलिटिकल पार्टियों, हजारे आज ही पेपर में पढ़ा है, कुछ 3400 पार्टीज है ऑल ओवर द कंट्री, तो अपनी एक ही पार्टी वो बन के नहीं रह जाए, क्या करना चाहिए? तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स खड़ा करना पड़ेगा इसके लिए। और ऐसे ही दानेश्वरी लोगों के पास जाके बोलना पड़ेगा कि भाई, और अगली इलेक्शन है 5 साल के बाद, उसके बाद वेदर वी विल रेन विन और लूज, मैं अपने थोड़े कैंडिडेट्स देश में इसका मैसेज पहुंचाने के लिए कुछ 25-30-40 अलग अलग स्टेट्स में टोकन खड़े करने पड़ेगी, नहीं तो ये लोग के पास ये मैसेज पहुंचेगा नहीं। पैसे भी जुटाने पड़ेंगे, और इसमें से मैं बोलता हूँ कि मैं आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद जसु भाई कि एक पूरे देश में जैसा फोरम फॉर फास्ट जस्टिस है, उनमें हमारा एक नेशनल कन्वीनर है, उसका फेडरेशन फॉर फास्ट जस्टिस 23 राज्यों में 110 सेंटर्स हमने बनाए हैं, अभी वो ट्रेनिंग स्टेज में है, आगे आगे लेके जाएंगे। ऐसा ही इससे भी बड़ा एक अभियान बनाना चाहिए इसके लिए, उसके लिए हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में हैं, और ऐसे ही आगे पढ़ना पड़ेगा। हमने एक ये सोचा है कि 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए, उनको कुछ थोड़ा पुरस्कार भी देंगे, कुछ भी देंगे, मगर पूरे देश में बन के सब जगह पर जाके अपने सेंटर्स खड़ा करना पड़ेगा। और आप सब लोग ये प्रसंग में आए हैं, ये समारंभ में आए हैं, आपका कीमती समय बचा के, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई भगवान जी भाई, हम लोग ने एनालिसिस की कि ये जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देश के इंटरेस्ट में है, ये नेक्स्ट जनरेशन के पास मैसेज पहुँचाना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो जो इंडिया में पॉलिटिकल साइंस जहाँ भी सिखाते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ इनको सिर्फ पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर द डिफरेंस। हम तो हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, हम वोट देते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए, पर बेसिक डिफरेंस जो है, तो हमने एक मिशन तय किया है
कि ये जो नॉलेज जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल साइंस सिखाया जाता है पूरे इंडिया भर में जितनी भी कॉलेज है वहाँ अगर ये किताब पहुँचे तो वो जो प्रोफेसर लोग अगर इसको पढ़ के स्टूडेंट लोग वो पढ़ेंगे तो स्टूडेंट लोग के पास ये नॉलेज जाएगा, तब ये नेक्स्ट जनरेशन से आगे बढ़ेगा फंडामेंटली. तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू नो यू कैन स्पॉन्सर दिस बुक और दमीजा दिस बुक सो दैट इट रीचेज टू ऑल ओवर इंडिया. आप 10 कॉपी स्पॉन्सर करो, 25 कॉपी स्पॉन्सर करो, 100 कॉपी स्पॉन्सर करो. प्रिंसिपल सिराती यहाँ है तो सिराती के साथ हमने तय किया है कि महाराष्ट्र में जितनी भी कॉलेजेस है जहाँ पॉलिटिकल साइंस सिखाया जाता है उनको बेसिक नॉलेज प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का देने के लिए एक किताब पहुँचाने का हमने एक ये चालू किया है. जो आप जो बोल रहे हो पहले उनको मालूम होना चाहिए, यंग जनरेशन को, कि भाई ये सिस्टम होमर आप जानते हैं उससे ये लोग जानेंगे, एक प्रोफेसर जानेंगे तो 10-50-100 स्टूडेंट को बताएंगे कि ये सिस्टम को ऑल्टरनेटिव, तभी ये धीरे धीरे माहौल आगे बढ़ेगा. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो ये मिशन हमने हाथ में लिया है. विचार करीने के आगे के